कानपुर नगर से है, जहां फरियादी अपने एकमात्र पुत्र के हत्यारे को दंड दिलवाना चाहता है, पर पुलिस है जो हत्यारे से मिल गई है। 19 दिन होने को है, सारे जतन पर पतन हो गया, पर इंस्पेक्टर साहब ने FIR नहीं लिखी। आइए सुनते हैं पीड़ित की जबानी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि मेरा इकलौता पुत्र दिनांक 8/4/2022 को उसका सहपाठी आयुष यादव समय 8:30 के करीब घर से लिवा ले गया और ये कहकर गया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को वो गंगा जी की ओर ले गया और गंगा जी में डुबो दिया, जिसकी खबर भी नहीं दिया, और उसके कपड़े जूते बाहर रोड के पर नीचे गड़ी गाड़ी के नीचे डाल कर फेंक कर भाग गया, और मोबाइल पड़ो मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के को पढ़ा कर के चक्कर हो गया। जब कपड़ों को देखा कि ये डाल के हुए भागा तो लोगों ने बताया, तब खबर लगी, तब प्रार्थी ने जा कर के पुलिस और इधर उधर छानबीन की, तमाम मोहल्ले वालों ने भी छानबीन की, तब पुलिस ने बताया कि लड़का यहाँ गंगा जी में स्नान कर रहे थे, एक डूब रहा था, उसको बचा लिया गया। प्रार्थी को शंका हुई, तब पता चला कि वो आयुष यादव पुलिस को चमा दे करके भाग गया और मेरे पुत्र को डुबो करके मार डाला। और अब हमने जब पुलिस को कोई प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने एक एप्लीकेशन लिखवा करके ले लिया, और वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय श्री रजनीश तिवारी जी ने कहा कि जब पोस्टमार्टम आ जाएगा तो जो आप लिख करके देंगे वही आधार पर तहरीर लिख के हम दोबारा ले लेंगे और मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन अभी तक मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुलिस प्रशासन से सबसे अनुरोध है कि मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु की हत्या किए जाने की रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जाए। बहुत समय बीती तो और आप प्रार्थी बहुत परेशान है, सब जगह चक्कर लगा चुका है, कई बार अप्लीकेशन बदली जा रही, बार बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, करा रहा हूँ। मेरा भतीजा संदीप कुमार है, स्वस्थ है, इसलिए वो देख रेख कर रहा है, उसको भी लोगों के द्वारा धमकियाँ दी जा रही। प्रार्थी बहुत परेशान है, भयभीत है। अभियुक्त के जो आयुष यादव के पिता और उसकी बहन उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है, इसलिए हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही। मुझको जान माल का खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री से प्रशासन से सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरी पुत्र की हत्या के विरुद्ध हत्या विरोधी आयोग के विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे परिवार और हमारे साथ की जान माल की रक्षा करी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।